बात करेंगे शिबा इनू के बारे में, क्या हाल चल रहे हैं शिबा इनू के, क्या सिचुएशन चल रही है, और साथ के साथ बात करेंगे कभी भी खुशखबरी आ सकती है और वो खुशखबरी क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और क्या लेटेस्ट अपडेट चल रही है शिबा इनू को लेके वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट की। क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो बिटकॉइन के अंदर आप देखेंगे तो कोई भी चेंज नहीं है। डेली हम यही बात कर रहे हैं कि बिटकॉइन के जो लेवल्स हैं वो टस से मस नहीं हो रहे हैं। छोटा सा फ्लक्चुएशन आता है 300, 400, 500 डॉलर का पंप डंप, और वो सिर्फ एक गेम होता है लिक्विडेशन वाला, जैसा कल रात बिटकॉइन ने किया। कल रात बिटकॉइन ने करोड़ों के लिक्विडेशंस किए, मतलब 100 मिलियन डॉलर के लिक्विडेशन। आप देखो 24 घंटे में जाके होते थे, कभी 50 मिलियन डॉलर होते थे, कभी 60 मिलियन डॉलर, लेकिन एक घंटे के अंदर 94 मिलियन डॉलर के लॉन्ग्स वालों के और 3-4 मिलियन डॉलर शॉर्ट्स वालों के 100 मिलियन डॉलर का लिक्विडेशन सिर्फ एक घंटे में। और ऐसे भी गेम होते हैं मार्केट के अंदर। और आज बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। आपको पता है CPI और FOMC मार्केट को वॉलेटाइल करते हैं, करते रहेंगे, और आज रात को आने वाला है FOMC मीटिंग मिनट्स। तो जो भी मीटिंग मिनट्स का रिजल्ट रहेगा वो कहाँ मिलेगा आपको, सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो FOMC की मीटिंग नहीं है, ये मीटिंग मिनट्स हैं, है ना। और ये मीटिंग मिनट्स भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर देते हैं, कभी कभी मार्केट को वॉलेटाइल कर देते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ट्रेड ले रहे हैं तो। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिए, कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं होगा। बात कर लेते हैं शिबा इनू की। शिबा इनू की जैसी हमने डिस्कशन किया था वैसा शिबा इनू का हाल चल रहा है, और शिबा इनू ने बिल्कुल वही लेवल हमको दिखा दिए जैसा हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था। शिबेरियम जिस दिन लॉन्च होगा, कल लॉन्च नहीं हुआ, आज भी अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन खुशखबरी कभी भी आ सकती है शिबा इनू की, यानी शिबेरियम अब कभी भी लॉन्च हो सकता है कुछ ही घंटों में, क्योंकि आज लास्ट डे है इवेंट का। इथेरियम टोरंटो ब्लॉकचेन फ्यूचरिस्ट कॉन्फ्रेंस, ये आज आखिरी दिन है, ठीक है, तो आज लॉन्च होना बनता है शिबेरियम का, ठीक है। जैसे लॉन्च होगा टेलीग्राम पे हम अपडेट करेंगे। लेकिन लॉन्चिंग से पहले शिबा इनू में बहुत बड़ा गेम हो गया, शिबा इनू का प्राइस डंप हो गया, और कल बहुत सारे लोग रात को ट्रैप में फंसे। कल रात को भी हमने डिस्कस किया था जब 1050-1060 की रेंज में चल रहा था शिबा इनू, ठीक है, तब भी कहा था कि ये ट्रैप है, इस ट्रैप के अंदर मत फंसिएगा। और ट्रैप, इतना बड़ा ट्रैप, अच्छे खासे लिक्विडेशंस, है ना, अच्छा खासा लिक्विडेशन किया। जो फ्यूचर ट्रेड कर रहे थे शिबा इनू के अंदर, लॉन्ग्स की पोजीशन लगी हुई थी, 5-0 के साथ 930-940 के लेवल दिखा दिए, और अभी भी 5-0 के साथ 960-970 के लेवल पे शिबा इनू ट्रेड कर रहा है। और जैसा कहा था कि 5-0 दिखेंगे तो दिखेंगे, और 5-0 दिख गए शिबा इनू के प्राइस। और हमने कहा था कि शिबेरियम आने तक एक मौका और मिलेगा, कोई खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट के अंदर ना तजुर्बा बहुत बड़ी चीज़ होती है, तजुर्बा। और ये तजुर्बा तभी होता है जब आप मार्केट को टाइम देते हो। सिर्फ भावनाओं में बह के, इमोशंस में बह के शिबा इनू का फ्लक्चुएशन आ रहा है, शिबेरियम भी आ रहा है, तो चलो पैसा डाल देते हैं, लॉन्ग कर देते हैं शिबा इनू को, वो उसके पीछे की मंशा को समझना पड़ता है, वो क्यों फ्लक्चुएट हो रहा है। कुछ पंप होते हैं फंसाने के लिए, और कल ऐसा ही कुछ हुआ है, शिबा इन्होंने अच्छी खासी जो है बहुत सारे लोगों को फंसाया ट्रैप के अंदर, ठीक है। तो जैसा डिस्कस किया था वैसा हो रहा है। शिबेरियम अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, और शिबेरियम की खुशखबरी कभी भी मिल सकती है, लेकिन उससे पहले कुछ अपडेट्स हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर वेल्स के भी मूवमेंट चल रहे हैं शिबा इनू को लेके। आपने देखा कुछ अभी एक दो दिन पहले वोयाजर ने 1.4 ट्रिलियन शिबा इनू सेल किए थे, अभी फिर से 24 घंटे के अंदर 500 बिलियन शिबा इनू का मूवमेंट हुआ है, यानी 500 बिलियन शिबा इनू जो हैं वेल्स की तरफ से मूव किए गए हैं, और ये एक बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ी खेप है, और ये खेप गई है कहाँ पे, कॉइन बेस के ऊपर। तो ये तो कुछ अपडेट्स हो गई। और लीश की अगर हम बात करें, एक नई लिस्टिंग हुई है crypto.com के ऊपर, और अब कहीं ना कहीं शिबा इनू की जो टीम है वो लीश के ऊपर भी फोकस कर सकती है, लीश के साथ साथ शिबेरियम लॉन्च होने के बाद, क्योंकि कुछ दिन लॉन्च होने के बाद टीम, आपको पता है बैक टू बैक कुछ नहीं होता है,
कुछ दिन के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ मंथली क्वार्टरली बर्न भी स्टार्ट हो सकते हैं शिबा इनू के, वो टाइम की बात है, हम डिस्कस करते रहेंगे जब तक बर्न स्टार्ट नहीं होते। लेकिन शिबेरियम आने से पहले शिबेरियम के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी अच्छी और न्यूज़ है, वो ये है कि शिबेरियम के ऊपर 100 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स इस टाइम पे जो है, मतलब जो नेटवर्क पे बिल्ड करते हैं ना, मतलब शिबेरियम के ऊपर, मतलब 100 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो शिबेरियम के लिए तैयार हैं और शिबेरियम पे कहीं ना कहीं बिल्ड करना जो है स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही मतलब शिबेरियम आएगा, और उसके बाद और भी प्रोजेक्ट्स शिबेरियम से जुड़ सकते हैं। और जैसे जैसे जितने प्रोजेक्ट शिबेरियम पे बिल्ड होंगे, जैसे जैसे जुड़ेंगे, वैसे वैसे शिबा इनू की इस ब्लॉकचेन को अच्छा पुश मिलता जाएगा, और यही अच्छा पुश, यही अच्छा रिजल्ट आगे जाके शिबा इनू के प्राइस पे भी अच्छा इम्पैक्ट डाल सकता है। तो ये सिचुएशन है, और ज़्यादा कुछ मार्केट के अंदर चल नहीं रहा है। शिबा इनू का शिबेरियम इवेंट चल रहे हैं, शिबेरियम लॉन्च हो जाएगा, लेकिन लॉन्चिंग से पहले प्राइस में पंप बिल्कुल भी नहीं आया। जो ये कह रहे थे कि $1 चला जाएगा, ₹1 चला जाएगा, छोड़ दीजिए, वो लेवल तो आसपास भी नहीं है, ठीक है। शिबा इनू 12 की सीरीज़ भी नहीं दिखा पाया, और देखो समझना ज़रूरी होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि शिबा इनू डाउन हो गया, मैं आपको बस यही समझा रहा हूँ कि मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी है। किसी क्रिप्टो का इवेंट है, किसी कॉइन का इवेंट है, उसके बाद उस कॉइन में क्या रहेगा, उससे पहले क्या रहेगा, जिस दिन उस कॉइन का इवेंट है उस दिन क्या होगा। आपने इतने इवेंट देखे, लाइट कॉइन की हालविंग तक आपने देखी, उसी दिन लाइट कॉइन डाउन हो गया, ठीक है, और कल रात को ही शिबा इनू डाउन हो गया। तो इतना तो आपको समझना चाहिए जब किसी क्रिप्टो को लेके, ज़रूरी नहीं है हर बार डाउन द फॉल देखने को मिले, कभी कभी कुछ परसेंट चांसेस ऐसे होते हैं जब इवेंट होता है तो उस कॉइन में पंप भी आ जाता है, लेकिन समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। शिबा इनू जब शिबा इनू का इवेंट हो, और छोटा मोटा इवेंट तो है नहीं, शिबेरियम लॉन्च वाला इवेंट है, और शिबेरियम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है शिबा इनू का, तो ऐसे में ना सेंटीमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हद से ज़्यादा, कि शिबा इनू बड़ा पंप दिखाएगा, बड़ा जंप दिखाएगा, और हमको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। देखो अच्छा रिटर्न सबको चाहिए, लेकिन एक सही मौके पे चौका मारना चाहिए, सही प्राइस पे एंट्री लेना चाहिए, और सही प्राइस पे निकाल भी लेना चाहिए अगर गेम हो रहे हैं तो। उस गेम में अपना प्रॉफिट बुक कर लेना, और फिर से जो गेम होगा उसमें फिर से अपना प्रॉफिट बुक कर लेना, ये स्मार्टनेस होती है, और इसी स्मार्टनेस को आपको सीखना पड़ेगा क्रिप्टो मार्केट के अंदर। तो ये सब सिचुएशन चल रही है शिबा इनू की, ठीक है, आगे जो अपडेट रहेंगे हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ट्विटर के लिंक हैं, ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, कोई अपडेट मिस नहीं होगा। और किसी भी क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च ज़रूर से ज़रूर करें, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट एक रिस्की मार्केट है, यहाँ प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।